पहले तो हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट पोजीशन पे कौन सा नंबर है? यहाँ वन है, यहाँ वन हम लिखेंगे यूनिट पोजीशन पे। इसी तरीके से टेंस पे क्या है हमारा? टू है, ये टेंस वाली पोजीशन पे। इसी तरीके से सेवन क्या है हमारा? हंड्रेड वाली पोजीशन पे है। और एट जो है हमारा थाउजेंड वाली पोजीशन पे है, ये 10,000। ठीक है, इसी तरीके से वन हंड्रेड थाउजेंड, ये इस तरीके से 100,000 होते हैं। ठीक है, तो भी डिजिट जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज ये हमारा वन है, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये हमारा वन किसकी पोजीशन पे? यूनिट्स की पोजीशन पे है ना, तो ये हमारा जो वन है यूनिट की पोजीशन पे। यूनिट का क्या वैल्यू है? वन है हमारा, तो हम वन इंटू वन क्या करेंगे? वन। इसका प्लेस वैल्यू जो हमारा मिल गया वो वन मिला है हमें। ये हमारा टू कौन सी पोजीशन पे है? टेन पोजीशन पे। टेन का बर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पोजीशन से। पोजीशन हमारी क्या है? टेन है। टू टोन दर ये 20, तो ये जो 20 है ये आपका इसका प्लेस वैल्यू है टू का। नंबर में क्या है? 20 है, क्योंकि ये 10 पे हमारा टेंस पे है इसकी पोजीशन, इस 100 वाली पोजीशन पे है। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 पोजीशन पे, तो 100 के साथ हमें क्या मिल जाएगा? ये 700s। ठीक है, ये 700s मिला हमें, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है जी, इसी तरीके से 8 है हमारा, ये जो 8 नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे है? 1000 पे। तो हम 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस पोजीशन पे होगा उसके साथ, तो ये हमें मिलेगा 8000। तो ये आपका प्लेस वैल्यू है किसका? यहाँ पे 8 का। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8000। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये 100 पे है तो 700। 2 का क्या होगा? 20। और 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। ये आपके प्लेस वैल्यूज़ हैं इन नंबर्स के, इन डिजिट्स के किसी भी नंबर में। तो आप यहाँ पे देखें 1 की पोजीशन यूनिट पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो आपको क्या लिखना है? यहाँ यूनिट है तो यूनिट मतलब 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछे कि भाई 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको देखना है कि पहले पोजीशन कौन सी है। देखिए यहाँ पे 100 तक है, उसके बाद यहाँ देखें 1000, 10,000 और फिर 100,000। तो ये आपकी 8 की पोजीशन कहाँ? 800,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 0, 2, 5, 8। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ है, आप क्या करेंगे? जिस भी पोजीशन का नंबर है, ठीक है, जिस भी पोजीशन पे नंबर है, यहाँ पे 8 का बता रहा है तो यहाँ 8 लिखेंगे, बाद में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको 0 कर दो, यहाँ इसको भी 0 कर दो, यहाँ भी 0 कर दो। मतलब जितने नंबर उस नंबर के बाद आते हैं राइट साइड पे होंगे वो उतने 0 आप लगा देंगे तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 8 के बाद कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 8 के साथ 50 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपका 800,000 जो है आपका प्लेस वैल्यू है 8 का। ठीक है, 0 कौन सी भी पोजीशन पे हो उसका हमेशा प्लेस वैल्यू 0 आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब 0 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो हमें पता है यहाँ पे मिलियन पे है, तो हम क्या करते हैं उसका जो वैल्यू होता है जो नंबर डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी आपके मिलियंस हैं। लेट सपोज मिलियन में कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है जी, तो ये जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा आंसर 0 ही मिलेगा। प्लेस वैल्यू वो हम किसी भी डिजिट को उस डिजिट के साथ उसकी पोजीशन जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। किसी भी पोजीशन पे आपको 0 होगा उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है। यहाँ पे हम 1 को करेंगे 1 के साथ, 9 को करेंगे 10 के साथ क्योंकि 10 पे पोजीशन है, 8 को करेंगे 100 के साथ, 2 को करेंगे 1000 के साथ, तो हमें प्लेस वैल्यूज़ मिल जाएंगे। इसी तरीके से 4 को करेंगे 10,000 के साथ, ठीक है, और 3 को करेंगे 100,000 के साथ, 0 को आप 0 ही कर दें क्योंकि जितना ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 5 को करेंगे हम 10 मिलियन के साथ, ठीक है जी, और 7 को करेंगे 100 मिलियन के साथ।
तो आपको ये आपके इनके प्लेस वैल्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ नाइन का जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू पूछे तो उसका नाइन ही होगा। इसी तरीके से टू का फेस वैल्यू भी टू होगा, ठीक है। सेवन का फेस वैल्यू भी सेवन ही होगा और एट का फेस वैल्यू भी एट ही होगा। ये जितनी भी डिजिट हों, यहाँ पे थ्री है, थ्री ही होगा इसका फेस वैल्यू। यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो का भी फेस वैल्यू ज़ीरो ही होगा और वन का फेस वैल्यू वन होगा। हाँ जी, ज़ीरो का, ठीक है, ज़ीरो का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगा। का सिक्स, इनके जो एक्चुअल वैल्यू है उसी को कहते हैं फेस वैल्यू। ये डिजिट्स चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, यहाँ मिलियन पे हो, ये लेट्स सो 5 मिलियन की पोजीशन पे, बट उसका फेस वैल्यू हमेशा 5 रहेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू अलग होते हैं, वो आपको पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 के साथ जितने नंबर हैं उसको ज़ीरो कर दो उसने, या 8 के बाद कितने, 3 ज़ीरो हैं, 3 नंबर हैं तो 3 ज़ीरो लगा दो, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 7 का पूछ रहा है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फेस वैल्यू की नहीं, ठीक है, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया 7 का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ 1 है तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये जितने भी ज़ीरो हैं 1 के बाद, कितने, 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, चार डिजिट्स हैं, तो हम 4 जो हैं आपके ज़ीरो लगा देंगे, तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अगर, ठीक है जी। बट ज़ीरो का हमेशा प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा, ये चीज़ याद रखना, और फेस वैल्यू भी ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो 4 डिजिट नंबर है तो इसमें डिजिट ज़्यादा हैं, तो जिस भी नंबर में डिजिट ज़्यादा होंगे वो आपका बड़ा होगा नंबर, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है कि ये 8, 7, 2, 1 ये ग्रेटर है 999 को। अच्छा, ये बात याद रखना, ग्रेटर और लेस देन की साइन एक ही होती है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको क्या होता है कि इस तरीके से लिखते हैं, कभी कभी इस तरीके से लिखते हैं तो आप समझते हैं कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, बात सेम है, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन में जो भी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, या ये समझ लें कि ये एरो जिसकी तरफ होगा वो छोटा नंबर होगा, कहीं भी आप यहाँ इस डायरेक्शन में भी देखें, यहाँ पे एरो के कहाँ पे है, एरो किस साइड पे पॉइंटेड है, इस साइड पे, जिस भी नंबर के सामने एरो पॉइंटेड हो वो नंबर लेस देन होता है, छोटा नंबर होता है, होगा जिसकी हाईएस्ट प्लेस का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, दोनों 5 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों 5 डिजिट नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी हाईएस्ट प्लेस क्या होती है, सबसे बड़ी प्लेस जो होती है हाई वैल्यू वाली जिस पोजीशन का, वो राइट साइड पे होती है, यहाँ पे पहले नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे होती है, थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे होती है, इस तरीके से इनकी पोजीशंस के वैल्यू जो हैं होते हैं। इस पोजीशन पे डिजिट कौन सा बड़ा है, सेकंड वाला, ये डिजिट बड़ा है तो समझ जाना, ये डिजिट बड़ा है तो समझ जाना कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन है, ठीक है जी।